हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार, आप सब लोग भी परेशान होते ही होंगे मेरी तरह, खास करके वो लोग जिनके पास एक छोटा सा सिस्टम है, छोटा सा लैपटॉप है, जिसके स्पेसिफिकेशंस बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है, ग्राफिक कार्ड अच्छा नहीं है या प्रोसेसर अच्छा नहीं है। और वो परेशान होते हैं कि यार फाइल बहुत हैवी हो गई है, या एक्सटीरियर्स पे वर्क नहीं कर पाते क्योंकि जनरली इस एक्सटीरियर के साथ हमें लैंडस्केपिंग करनी पड़ती है, या जो हैवी इंटीरियर्स होते हैं जैसे हमारे ट्रेडिशनल हो गए या क्लासी लुक के हो गए जिसमें हमें मोल्डिंग्स बनानी पड़ती हैं, वॉल पैनलिंग बनानी पड़ती हैं, वो सब, तो फाइल बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है। तो उसके लिए हमें फाइल क्लीनर की ज़रूरत पड़ती है, जो 3ds Max में होता है, बट काफ़ी लोग को नहीं पता होता है। आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल को नहीं पता होता है, मुझे भी रिसेंटली ही पता चला है, जहाँ पे अभी मैं काम करने लगा हूँ वहाँ पर मुझे पता चला है। तो जल्दी मैं और भी चीज़ें शेयर करूँगा आपके साथ उस चीज़ के बारे में, बट अभी हम बात करते हैं कि जो फॉरेंसिक करके एक जो ये हमारा प्लगइन है वो कैसे काम करता है और इसको इंस्टॉल कैसे करना है, डाउनलोड कैसे करना है। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप मेरी फाइल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर ये वेबसाइट है, वेबसाइट की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। एक चीज़ ज़रूरी है यहाँ पे कि यहाँ पे लिखा हुआ है आपको सबको अकाउंट बनाना ज़रूरी है। इसके दो वर्जन है, प्रो एंड फ्री। तो आप फ्री वर्जन सब लोग इंस्टॉल कर सकते हैं, अकाउंट बनाना फ्री है बिल्कुल। तो यार बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले से फ़ाइल डाउनलोड करके रखी है, वही फ़ाइल मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो ये रही वो फ़ाइल, इसको मैं रन एज एडमिन करूंगा। आप ध्यान रखिएगा आपका 3ds Max बैकग्राउंड में कहीं भी चलना रहो। इसके लिए आप टास्क मैनेजर में जाके प्रोसेसेस में देख सकते हैं, मोर पर जाएंगे तो परफॉर्मेंस ऐप हिस्ट्री स्टार्टअप परफॉर्मेंस में देखेंगे, प्रोसेसेस में देखेंगे कि आपके कौन कौन से ऐप चल रहे हैं, तो 3ds Max इस पे नहीं होना चाहिए। तो मैं इसको सिनी सॉफ्टवेयर को मैं रन एज एडमिन करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ इस पे, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करूँगा। आपको बस इतना करना है, जो भी फाइल आप डाउनलोड करेंगे उसको जाके आपको एक्सट्रैक्ट करना है और आपको ये सारी फाइल्स वहाँ पे मिल जाएंगी। इनफैक्ट इसके साथ एक रीडमी टेक्स्ट भी पड़ा हुआ है, जिसके थ्रू अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है इस वीडियो में देखिए कि कैसे इंस्टॉल करना है, तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ये 2015 से लेके 2021 तक के लिए अवेलेबल है, अभी 22 के लिए मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी आपको प्रोवाइड कर पाऊँ। अभी मैं 21 Max यूज़ करता हूँ, तो मैं 21 के लिए इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये वीडियो पूरी रियल टाइम में, मैं इसमें कुछ भी स्किप नहीं किया अभी तक। तो मैं इसको फिनिश करता हूँ, टेक्स्ट में देखता हूँ जाके। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपी पेस्ट द फाइल क्रैक टू दिस 3ds Max के प्लगइन में जाके मुझे पेस्ट करना है। ओके, तो ये रहा मेरा वो फाइल जिसको मुझे पेस्ट करना है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर, ना 3ds Max खोल लूँगा जो मैं ई ड्राइव की सॉफ्टवेयर फाइल में इंस्टॉल करके रखता हूँ। Autodesk 2021 प्लगइन्स फोल्डर देखता हूँ इसका, प्लगइन्स फोल्डर में यहाँ पे कंट्रोल वी एंड रिप्लेस द फाइल इन डेस्टिनेशन। ओके, ये हो गया मेरा रिफ्रेश, ये मैंने कर दिया पेस्ट। अब मैं 3ds Max लॉन्च करूँगा। तो ये वीडियो आखिरी तक देख लेना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि इसको सेटअप करना थोड़ा टिपिकल होता है। और अकाउंट बनाने के लिए मैं आपको लिंक दे ही रहा हूँ, प्लस मैं आपको सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल करते टाइम भी बता दूंगा कि इसका अकाउंट कैसे बनता है। तो Stay with me and watch the whole video। तब तक यार, अगर आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया अभी तक इस वीडियो को, तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। और भी ऐसी वीडियोज़ आती रहेंगी जो कि छोटे क्रिएटर्स के लिए, जैसे मैं और जो छोटा सा सिस्टम यूज़ करते हैं, जिनके स्पेक्स अच्छे नहीं हैं, उनके लिए बहुत यूज़फुल रहती हैं। तो अभी आप देखेंगे कि मेरा 3ds Max चालू ही हुआ है जस्ट, और यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स आ रखा है जिसमें यूज़र ईमेल मांग रहा है, यूज़र पासवर्ड मांग रहा है। तो यहाँ पे हाँ, मुझे लॉगिन करना पड़ेगा और सॉफ्टवेयर के लिए, जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वेबसाइट ही बोलती है कि सबको अकाउंट बनाना ज़रूरी है डाउनलोड करने के लिए एंड यूज़ करने के लिए। तो इसमें बिना लॉगिन के नहीं काम करेगा, तो अकाउंट बना लेना, कुछ भी नहीं मांगता, पैसे नहीं मांगता सबसे बड़ी बात। तो यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो लॉगिन टू सिनी सॉफ्टवेयर करेंगे तो आपको सीधे क्रिएट अकाउंट के पेज पर ले जा लेगा, क्योंकि वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा रजिस्टर नाउ का। अभी के लिए मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ अपने क्रेडेंशियल्स यूज़ करते हुए। यहाँ पे मैं कहता हूँ रिमेंबर, जब आप अकाउंट बना लेंगे और लॉगिन कर रहे होंगे तो रिमेंबर यूज़र इन्फो में और ऑटो लॉगिन ऑन स्टार्टअप कर दीजिएगा, ताकि आपको बार बार करने की ज़रूरत ना पड़े। एंड लॉगिन टू सिनी सॉफ्टवेयर आपको, हाँ इसके लिए आपको नेट ज़रूर लगेगा। तो अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ, फिर ये लॉगिन हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको सेटअप कैसे करना है। आपको यहाँ पे जो राइट साइड में आपका कमांड पैनल दिखता है, उसमें एक आपको यहाँ पे गियर का सिंबल दिखेगा। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो इसको एक्सटेंड करने का ट्राई कीजिएगा, थोड़ा सा आपको दिखेगा। फिर यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है कॉन्फ़िगर बटन सेट्स पे, राइट क्लिक या लेफ्ट क्लिक, यहाँ पे क्लिक करेंगे जैसे ही आप, तो यहाँ पे आपको बटन्स दिखेंगी। तो ये 8 की जगह आप इसको 10 कर दीजिएगा, तो यहाँ पे आपको दो एक्स्ट्रा बटन्स दिखने लगेंगी।
और जब आप यहाँ पे इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे एक दिख रहा होगा सिनी स्क्रिप्ट, तो अब मैं इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, और एक दिख रहा होगा फॉरेंसिक, मैं इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ ऐसे एंड इसको ओके कर दूंगा मैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो और ऐड हो गए हैं। तो बस इतना ही था इसके लिए। अभी मैं जैसे ही फॉरेंसिक पर क्लिक करता हूँ तो मेरा काम स्टार्ट हो जाएगा। उसके लिए मैं आपको ट्रायल देने के लिए एक हैवी सी फाइल खोल लेता हूँ अभी, उसको मैं आपको स्कैन करके क्लीन करके बताऊँगा, उसमें मैं आपको बताऊँगा कि उस फाइल में क्या क्या दिक्कतें थी। तो ओपन रिसेंट्स में जाके मैं, मेरी एक बहुत ही मतलब काफ़ी पुरानी फाइल है, मैंने प्रोजेक्ट किया था, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर का है एंड काफ़ी हैवी फाइल है ये। तो आप देख सकते हैं कि फाइल खुल गई। इस फाइल को खोलने में अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 मिनट लगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है सिर्फ फाइल खोलने के लिए। तो मैं इसमें कैमरा पे जाता हूँ, जैसे ये कैमरा है अभी, मतलब कोई भी कुछ भी हम सिलेक्ट करके रख सकते हैं। मैं फॉरेंसिक को लॉन्च करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये लॉन्च हो चुका है, फॉरेंसिक ऐसा कुछ खुलता है। जब मैं इसमें स्क्रॉल डाउन करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है स्कैन का, तो यहाँ पे मैं इसको स्कैन करता हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरी फाइल यहाँ पे स्कैन हो रही है। आपकी फाइल में जितने ज़्यादा एरर्स होंगे, जितनी ज़्यादा दिक्कतें होंगी ना, ये उतना ज़्यादा टाइम लेने वाला है स्कैन करने में। फिर आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आता है एनएम लेयर का प्लस एम्प्टी लेयर्स का। सबसे पहले आप एम्प्टी लेयर क्लियर कर लीजिएगा, वो आपका सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली चीज़ें होती हैं। एंड एनएम लेयर क्लियर कर लीजिएगा, उसके बाद फिर आपको यहाँ पे डिलीट लेयर का ऑप्शन दिखने लगेगा। इतना करके आप बंद कर दीजिएगा एंड आप नोटिस कर पाएंगे कि आपकी जो फाइल है वो काफ़ी जल्दी सेव हो रही है और काफ़ी ज़्यादा जल्दी आपकी फ़ाइल ओपन हो रही है। आपको दिक्कत नहीं आ रही है जब आप ऐसे पर्सपेक्टिव में आप इसको पैन करेंगे, जैसे अभी आप देख सकते हैं कि फ़ाइल थोड़ी हैवी चलती है, तो ये ऐसे हैवी नहीं चल रही होगी। तो बस यार, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आगे की बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कोई और नए प्लगइन या कोई और तरीका जिससे आप अपना मॉडलिंग एक्सपीरियंस इंप्रूव कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर कोई भी परेशानी आती है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके उसमें अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, या फिर आपको किसी और प्लगइन या कोई सॉफ्टवेयर की नीड है तो आप उसमें बता सकते हैं कि हमें ये नीड है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी उस पर वीडियो बनाने की। एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।